वेल, अगर आपने कभी वाईफाई का इस्तेमाल किया होगा तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी नो इंटरनेट कनेक्शन इशू को ज़रूर फेस किया होगा। आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में किसी भी तरह के वाईफाई को कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी ना कभी एक एरर ज़रूर शो हो जाता है, नो इंटरनेट एक्सेस या फिर नो इंटरनेट कनेक्शन। यही नहीं, कई बार आप अपने डिवाइस में वाईफाई की मदद से इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो अचानक से कभी कभी जो वाईफाई है वो काम करना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वहां पर रीलोडिंग दिखा देता है आपको, या फिर आप गूगल में कुछ सर्च कर देते हो वहां पर आपको सिंपली एक एरर शो कर देता है, एक मैसेज शो कर देता है, नो इंटरनेट कनेक्शन। तो यहां पर आप सोचते हो यार ये क्या हुआ, इंटरनेट कनेक्शन क्यों काम नहीं कर रहा, क्या हुआ इंटरनेट कनेक्शन को, अरे यार ये वाईफाई काम नहीं कर रहा, अब क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसे कैसे ठीक करें। वेल, इससे बचने के लिए हम में से मोस्टली सभी लोग एक छोटा सा सिंपल सा काम करते हैं, अपने वाईफाई राउटर को सिंपली रीस्टार्ट कर देते हैं या फिर कह लो पावर को ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देते हैं। तो जैसे आप देखते हो वाईफाई राउटर रीस्टार्ट हो जाता है और आपकी डिवाइस से कनेक्टेड हो जाता है तो आप देख पाते हैं कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन पहले काम नहीं कर रहा था अब काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक छोटे से रीस्टार्ट की मदद से आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये जादू है ना, सच में ये जादू है। तो कभी सोचा है कि आखिर में ये एक छोटे से रीस्टार्ट की मदद से वाईफाई राउटर का जो भी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो जाता है, और क्या कारण है जिसकी मदद से हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वाईफाई का कई बार बीच बीच में अपने आप ही रुक जाता है या फिर कह लो काम करना बंद कर देता है। वेल, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वेल, एक छोटे से रीस्टार्ट की मदद से कैसे आपके वाईफाई राउटर का जो भी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है वो कैसे आसानी से फिक्स हो जाता है, ये जानने से पहले आपको वाईफाई राउटर के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। क्या आपने कभी वाईफाई राउटर के बॉक्स को ओपन करके देखा है, अंदर देखा है कि ये कैसा होता है? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होगा जिसमें कुछ ट्रांजिस्टर लगे होंगे, कैपेसिटर लगे होंगे, डायोड लगे होंगे और कुछ पोर्ट लगे होंगे, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आपको पता नहीं होगा कि एक वाईफाई राउटर एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, या फिर कह लो एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जी हाँ, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाईफाई जो राउटर होता है वो एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है जिसमें एक लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज, रैम, यहाँ तक कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ ना ये एक छोटा सा कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कंप्यूटर के सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है, स्टोरेज होता है, रैम होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर वाईफाई राउटर में भी यही सब चीज़ें होती है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक वाईफाई राउटर काम कर पाता है। अब आप यहाँ पे वाईफाई राउटर का इस्तेमाल किसी एक डिवाइस में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं करते ना, आप जितने मर्जी चाहे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई राउटर की मदद से। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप किसी डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो हमेशा वाईफाई जो राउटर है वो आपको उस डिवाइस के लिए एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा डिवाइसेस वाईफाई राउटर से या फिर कह लो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे उतने ज़्यादा जो ये वाईफाई राउटर है आपको हर एक डिवाइस के लिए एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता रहेगा। तो यहां पर जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे, जितने ज्यादा डिवाइस इस्तेमाल होंगे, उतना ज्यादा वाईफाई राउटर जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करेगा, रैम इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है वाईफाई जो राउटर है वो स्लो हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आपको जो इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। आपने देखा होगा जब भी आप एक सिंगल डिवाइस में वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आपको जो स्पीड मिलती है वो काफी बढ़िया होती है, लेकिन जब वहीं पर तीन चार डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, तीन चार डिवाइस में एक इंटरनेट एक्सेस करते हो तो जो इंटरनेट कनेक्शन है या फिर कह लो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यहां पर हम में से कई जो लोग होते हैं वो 24 घंटे वाईफाई राउटर को ऑन करके रखते हैं। तो यहाँ पर भैया मैं आपको बता दूँ, ये भी एक मशीन है और इसे भी कभी कभी आराम की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा देर तक लगातार आप इसे इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली ये हीट होगा, गर्म होगा और इसकी वजह से आपको जो कनेक्शन है या फिर कह लो इंटरनेट है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, या फिर शायद आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काम ही ना करे। तो यहाँ पर मशीन को भी थोड़ा सा आराम चाहिए। अगर आप इसकी जो पावर है या फिर कह लो इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा काम करवाओगे तो यहाँ पर भैया मशीन भी बोलेगा चल मैं नहीं काम कर रहा, जा क्या कर लेगा। तो यहाँ पर अगर आप लगातार अपने वाईफाई राउटर को इस्तेमाल कर रहे हो, कभी भी अपने वाईफाई राउटर को बंद नहीं करते या फिर रीस्टार्ट नहीं करते, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टॉप हो जाता है या फिर कह लो रुक जाता है। और उसके बाद क्या आप अपने वाईफाई राउटर को सिंपली रीस्टार्ट करते हो तो वहाँ पर वाईफाई राउटर को लगता है यार
फाइनली थोड़ी सी आराम तो मिली यार कम से कम। तो वहाँ पर उसी रीस्टार्ट की वजह से क्या होता है, जैसे आप रीस्टार्ट करते हो वाईफाई राउटर को तो जो सारे कनेक्शन है वो कट जाते हैं, वो एकदम फ्री हो जाता है, उसमें जो भी रैम इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो भी प्रोसेसिंग पावर होता है वो सारा दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, सही हो जाता है, उसे दोबारा से फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चालू हो जाता है, या फिर कह लो आप इंटरनेट कनेक्शन का एक्सेस कर पाते हैं। यही नहीं दोस्तों, जितने भी आप अपने घरों में वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हो, वाईफाई का इस्तेमाल करते हो और वहाँ पर आपको एक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपना वाईफाई लगवाते हैं, तो वो हमेशा आपको एक यूनिक डायनेमिक IP एड्रेस देता है। और ये जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है एक निश्चित समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, एक लिमिटेड समय के लिए होता है। तो जैसे ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद दोबारा से ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको एक अलग से एक दूसरा डायनेमिक IP एड्रेस देता रहता है। तो यहां पर ये जो डायनेमिक एड्रेस है वो लगातार कुछ ना समय के बाद जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन एक मिनट रुको, जब आपके ISP आपके डायनेमिक IP एड्रेस को बदल देते हैं एक समय बाद जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और उस वक्त आपका जो वाईफाई राउटर है वो बिजी है कनेक्शन डेटा को ट्रांसफ़र करने में, कई सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है और उस वक्त रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपका जो डायनेमिक IP एड्रेस है केबल के थ्रू वो चेंज हो चुका है तो आपको अपडेट करना होगा वाईफाई राउटर को, तो वहाँ पर वाईफाई राउटर जो होता है वो बेसिकली एक पुराना वाला ही डायनेमिक IP एड्रेस यूज़ कर रहा होता है, तो उसे एक नए वाले जो रिक्वेस्ट आ रही है नए वाले IP एड्रेस उसकी जरूरत होती है। अब ऐसे में क्या है, वाईफाई जो राउटर होता है वो बेसिकली कई सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है, तो वहां पर उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें यार, इनसे कैसे डिसकनेक्ट हो, तो वहां पर सिंपली क्या होता है, जो वाईफाई राउटर होता है वो बेसिकली काम करना बंद कर देता है। तो जब काम करना बंद कर देता है तो आप लोग सिंपली क्या करते हो, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता तो आप सिंपली अपने वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट करते हो। तो जैसे आप अपने वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट करते हो तो आपके जो वाईफाई राउटर में जो नया वाला डायनेमिक IP एड्रेस है वो अपडेट हो जाता है और उसके बाद सिंपली आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर आपका जो वाईफाई राउटर होता है वो बेसिकली पब्लिक IP एड्रेस और एक प्राइवेट IP एड्रेस दोनों को ही मैनेज करता है, तो यहाँ पर कई बार इन दोनों को साथ में मैनेज करने से और कई सारे कनेक्शन को एक साथ हैंडल करने से ये जो कनेक्शन है वो मैसअप हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, या फिर कह लो कई बार कुछ डिवाइस को, दो डिवाइस को सेम IP एड्रेस असाइन हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक होने का मतलब यह है कि आपका जो वाईफाई है वो काम करना बंद कर देगा, तो वाईफाई काम करना बंद कर देगा तो आप सिंपली अपने वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप वाईफाई को रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करके या फिर कह लो बंद करके चालू करोगे, तो आपका जो वाईफाई राउटर है वो बेसिकली दोबारा से हर एक डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा या फिर कह लो पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जिससे जो सारा मैशअप है वो ठीक हो जाता है और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो दोबारा से चालू हो जाता है या फिर कह लो काम करना शुरू कर देता है। यही नहीं, यहाँ पर कई बार वाईफाई काम ना करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके वाईफाई राउटर में जो भी फर्मवेयर हो वो अप टू डेट ना हो, उसमें कुछ बग्स हो, एरर हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP है उनके सर्वर में कुछ एरर हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो या फिर उनका सर्वर मेंटेनेंस पे चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको वेट करना पड़ता है कि जब तक सर्वर मेंटेनेंस खत्म ना हो जाए ISP का तब तक आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काम नहीं करता। तो जैसे ही सर्वर मेंटेनेंस खत्म हो जाता है, टाइम सही हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काम करना शुरू कर देता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक छोटे से रीस्टार्ट की मदद से आपका जो भी वाईफाई कनेक्शन का जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और किस तरह से किन प्रॉब्लम की वजह से, किन कारणों की वजह से आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो कभी कभी काम नहीं करता। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।